बाबा हल्ला हुआ है ना, देखिए माने नाग नागिन मले निकले हैं। अच्छा, देखिए पूरा शरीर इसका सूजा हुआ है और डॉक्टर जो है इसके इलाज के लिए क्या कहिएगा जो आपको देख रहे हैं। खाली मुझे इलाज करा दीजिए, मुझे ठीक है वो। ऐसा हमको पास नहीं, हम कमाते नहीं है ना। फिर भी 10 रुपया दिए है ना। देखिए बुजुर्ग हैं, पुरुषा यहाँ पैदल अब इधर से जाकर कितना किलोमीटर पना फिर चकोसन बाजार। छोटा सा रकम यहाँ पर जितना ही संभव है, उम्मीद है कि ये कुछ भी नहीं करती होगी। घर बढ़ के क्या करना है? नौकरी लगना है। देखिए सर, देखिए सर, एक बार देखिए ना, एक बार आइएगा सर तो दया लग जाएगा सर, दया लग जाएगा सर, रोना आ जाएगा। एक बार देखिए उस बच्ची को कैसे खा पी रही है, वो कैसे जी रही है, कैसे सोती होगी। अभी मैं जिस जगह पर स्थित हूँ यहाँ पर जो है ना, काफ़ी दिन से सांप और सपेरे का खेल चल रहा है और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे काफ़ी लोग का भीड़ जुटा हुआ है यहाँ पर। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं सांप और सपेरे का खेल देखने के लिए। ऐसा ना, सांप जो है वो चली गई है इस बच्ची के पेट में, और जो सपेरा है डॉक्टर साहब जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार करवा दिया पेट में सांप दिखाकर, वो है फरार यानी सपेरे, वो हो गए हैं। तो सांप सपेरे का जो खेल चल रहा है काफी यहाँ पर रोचक चल रहा है, काफी भारी संख्या में पब्लिक यहाँ पर लगातार जुट रही है। सबसे पहले दिखाइए, देखिए क्या हाल है इसका, आँख से सही से देख नहीं पा रही है। देखिए पूरा शरीर इसका सूजा हुआ है और डॉक्टर जो है इसके इलाज के लिए भारी संख्या में पैसा डिमांड कर दिए हैं के लिए। देखिए 8 साल की बच्ची है, अभी दुनिया भी नहीं देखी है सर, दुनिया क्या होता है इसको पता भी नहीं। बात बताओ बेटा, कोई मदद किया है आपका? मुझे माथा दर्द करता है। इसका माथा में दर्द हो रहा है क्योंकि आवाज आ रहा होगा, तो इनको माथा में दर्द हो रहा होगा क्योंकि बताइए, एक रिक्शा चालक की बच्ची है इसीलिए इस हालत में यहाँ पर पड़ी हुई है। अगर ये किसी नेता मंत्री की बेटी होती तो आज बहुत बड़ा हॉस्पिटल में होती कि नहीं। क्या कहेंगे सर, हम थक चुके हैं बक बक करके, इतना भौंक चुके हैं कि आप भी मेरे बातों से कई बातों को बुरा मान भी गए होंगे, लेकिन बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है सर। जिस तरह से इलेक्शन में दिन रात एक कर देते हैं ना, तबीयत खराब रहता है, 104 डिग्री बुखार भी रहता है, फिर भी पहुंच जाते हैं इन लोगों से वोट मांगने, पैर पकड़ने कि इस बार जिताइए, हम नल देंगे, जल देंगे, ये देंगे, वो देंगे। देते तो कुछ है नहीं, सब तो खा चबा जाते हैं इन लोगों को ठग ठग करके। अभी हम लोग भी आए हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ मदद करके जाएंगे। ये एक बुजुर्ग है, ये इन्हें पैसा दे रही है। ये देखिए सभी नेताओं के मुंह पर तमाचा, ऐसा तमाचा लगा है कि शायद वो उठ के पानी ना पी सके। उस साइड चलिए, उस साइड चलिए, उस साइड चलिए, चलिए चलिए चलिए, इधर 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 बाबा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, पहले आप यहाँ बैठिए। हमको आँख बैठा हुआ है ना। अच्छा बैठिए आप यहाँ, यहाँ बैठिए, ऊपर बैठिए। ये देखिए नेताओं के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ है। बाबा कितना रुपया लेके आए हैं? पैसा हमको पास नहीं, हम कमाते नहीं है ना। फिर भी 10 रुपया दिए है ना। देखिए बुजुर्ग हैं, एक भी रुपया नहीं कमाते होंगे, इनका ये स्थिति आज है कि एक भी रुपया नहीं कमाते हैं। कमाते हैं बाबा, सुनिए ना, हम पानापुर से यहाँ पैदल अब इधर से जाकर कितना किलोमीटर पानापुर चकोसन बाजार से यहाँ से 12 किलोमीटर होगा, ज्यादा है, कम से कम 20-25 किलोमीटर से बाबा पैदल चल के आए हैं। सुबह ही निकले थे, हाँ, जंगले जंगले और सही से चल नहीं पाते हैं। ये एक जोरदार थप्पड़ मारे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने एक भी यहाँ पर मदद नहीं किया, और उल्टे कमेंट करेंगे कि पैसा देते हो तो दिखाते हो। अरे तुम भी आके दिखाओ ना जी, पैसा दो ना इस बाबा के तरह, 5 रुपया ही दे के यहाँ से जाओ, वीडियो बना के जाओ। है हिम्मत नेताजी, है हिम्मत तो यहाँ पे आइए और 5 रुपया ही देके जाइए। आपकी औकात भी 5 रुपया की ही अभी होगी, यहाँ पर 5 रुपया आइए और दे के जाइए। पता चला आपको, पता कैसे चला बाबा? हल्ला हुआ है ना, देखिए माने नाग नागिन मले निकले हैं। अच्छा, ये पता चला कि नाग नागिन है? हाँ, इसके पेट में। हाँ तो वही से घूम करके आया, माने बौआई तो बौआई तो बौआई, हाँ रोड में बड़ी गाड़ी चलता है,
दूगो आई खतरा हो गए गांधी चौक भीड़ मोटर से, तो हम चौड़े चौड़े आया है। इस बच्ची के लिए जो जितना लोग अभी देख रहे हैं उसको क्या कहिएगा, क्या करे इस बच्ची को, इस बच्चा को क्या करे? देने होगा, क्या करना होगा, इलाज कराना होगा ना? इलाज कराएगा ना। जो बड़े बड़े नेता यहाँ पर वोट लेने के लिए दिन रात एक करते हैं उसको क्या कहिए? तो बुझाइए, वही से थी ना, वहीं से आए हैं। चाची आप क्या रुपया दिए हैं? हम 25 रुपया दे रहे हैं। देखिए चाची, चाची भी जो है यहाँ पर बैठी हुई है, धिक्कार है नेताजी आप लोगों पर, आप लोगों की तो जरूरत ही नहीं है, इलेक्शन में आ जाइएगा, सो जाइए एसी में बैठ जाइए। देखिए चाची यहाँ पर एक छोटा सा रकम यहाँ पर जितना ही संभव है, उम्मीद है कि ये कुछ भी नहीं करती होगी, घर की एक गृहिणी है, मामूली औरत है, फिर भी इनको जितना हो सका इन्होंने देने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद चाची आप जैसे लोगों को कि कम से कम जितना ही हो सकता है उतना ही करने का प्रयास कर रहे हैं। हमको मालिक डेट कर गए, चाची इतना सब शर्म लगता था, हम अपने देने वाले थे, हमको मालिक डेट कर गए। आपके पति डेट कर गए? हाँ सर, चाची, ना तो कोई आधार नहीं है, फिर हम सजो ये बताइए चाची कि जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को क्या कहिएगा? कहेंगे कि सब लोग मिलकर मदद कीजिए, नेता जी आएंगे तो हमको भी रहते, तो हम जवाब उसको उनको देते, वोट लेंगे नेता जी। आप भी अगर किसी दिन इस तरह से लटक जाइएगा ना कहीं, तो ये जनता तुरंत आपके लिए खड़ी हो जाएगी, बस एक बार ट्राई कीजिए ना सर। ट्राई करने में क्या जाता है सर, कुछ नहीं जाता है। सरकारी पेट्रोल जला करके गाड़ी से आइएगा, एसी में बैठ करके आइएगा, यहाँ आने के बाद यहाँ 10 मिनट आइए, लेक्चर दे दीजिए, लेक्चर दे के थोड़ा सा मदद कर दीजिए, चले जाइए सर, 10 मिनट में कुछ नहीं होगा, ये समझ लीजिएगा कि हम घूमने गए थे। आइए सर, एक बार आइए, जरूर आइए सर, यहाँ पर यही कहेंगे सर, आइए ना सर, क्यों नहीं आते हैं, आइए ना सर, आइए ना, जल्दी आइए ना इस बच्ची के लिए सर। देखिए इसका हालत, देखिए यहाँ दिखाइए, थोड़ा दिखाइए, यहाँ के तमाम लोग यहाँ पर सांप सपेरे का खेल देखने नहीं आए हैं, बल्कि इस बच्ची के लिए खड़े हैं, जीना चाहती है सर, 8 साल की बच्ची मात्र है सर, इसका इलाज करवा दीजिए सर, इसको ठीक करवा दीजिए सर। बाबू क्या कहिएगा जो आपको देख रहे हैं? खाली मुझे इलाज करा दीजिए, मुझे ठीक है होने के लिए। ठीक होने के बाद आप क्या कीजिएगा? पढ़िएगा, पढ़ना है ना, पढ़ के क्या करना है? नौकरी लगना, नौकरी लगना है। देखिए सर, देखिए सर, एक बार देखिए ना, एक बार आइएगा सर तो दया लग जाएगा सर, दया लग जाएगा सर, 100% कहते हैं सर, एक बार आ जाइए, पक्का दया लग जाएगा सर इस बच्ची के लिए, हम कहते हैं आप अपना सब कुछ भी निछावर कर दीजिएगा ना तो कम पड़ जाएगा, इसका बोली सुन करके सर कम पड़ जाएगा, क्या देना है? ये देखिए, हम भी एक छोटा सा और भी करेंगे, और भी करेंगे। सबसे पहले ये बता देते हैं कि मेरे पास अभी फोन पे सुविधा उपलब्ध है, कैश नहीं है, इसलिए हम अभी ये दे रहे हैं, लेकिन फोन पे सुविधा भी हम तुरंत देंगे इस वीडियो के खत्म होने के बाद। मदद करिए, आप सब मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए, कीजिए ना मदद, या कुछ भी बोलते हैं तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा मदद करिए इन लड़की का, कि इसका जिंदगी जो है ना वो बच सके, जी सके। अभी ये क्या जी है जिंदगी, कुछ भी नहीं, 8 साल की बच्ची है, तो हम इनका सर चिल्ला चिल्ला के हम अपना गला फाड़ लेंगे सर, अगर नहीं आइएगा तो हम फिर यहाँ आएंगे, यहाँ आते रहेंगे, तब तक आते रहेंगे जब तक ये ठीक नहीं हो जाएगी सर, लेकिन हम यहाँ पर किसी ना किसी नेता को देखना चाहते हैं सर, अगर नहीं आइएगा तो हम गला फाड़ लेंगे, फिर मेरा भी इलाज कराना आपको पड़ जाएगा सर, हम बोल देते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। एक बार कोशिश करिए सर, करिए, जरूर कोशिश करिए सर, एक बार कर दीजिए, हम क्या कहेंगे, इसको देखिएगा ना तो रोना आ जाएगा सर, रोना आ जाएगा। एक बार देखिए उस बच्ची को, कैसे खा पी रही है वो, कैसे जी रही है, कैसे सोती होगी, देखिए ना उसको एक बार, मक्खी लगता है, ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ नहीं होगा इसे। आप क्या चाहते हैं नेता लोग से, ग्रामीण से क्या चाहते हैं? मैं माफी मांगता हूँ, मुझे ठीक कर दो।
₹500 दिए, उनसे इलाज नहीं होगा, ये गुहार लगा रही है कि आप लोग आइए, मेरा मदद कीजिए, हमको ठीक कर दीजिए, जीना चाहते हैं, यही ना। अच्छा बाबू एक बात बताइए, ये आपका बाल कब से झड़ने लगा? रक्षाबंधन से झड़ने लगा। यानी 4 महीना पहले से ही झड़ने लगा था, पेट और फूलने लगा था, गोरा सब, आँख उख सब, यानी आप नहीं खाते थे? नहीं। अच्छा पेट में दर्द भी होता था? हाँ दर्द भी होता था। तो कब आपके मम्मी पापा ले गए थे डॉक्टर के पास? नहीं तो बहुत महीने से ले गए थे। बहुत महीने से दवाई देते थे डॉक्टर? अच्छा दवाई खाते थे आप? हाँ, अच्छा आपकी मम्मी बोली थी एक वीडियो में कि दवाई खाने से उसके बाद जो है इसको फूलनी हुआ है ना? हाँ, सूजन हुआ है इसको। अच्छा दवाई नहीं देते हैं तो नहीं होता है कुछ? नहीं, दवाई मतलब गलत से खिया देके तो उसी से फूलने लगा लेता। यानी ये डॉक्टर का गलती है, डॉक्टर दवाई जो है गलत सलत डॉक्टर दवाई दिए है। यहाँ देख लीजिए ये 10 रुपया दी है आपको ना मैडम, दवाई खा दे। देखिए गांव के लोग देखिए आ रहे हैं, जितना ही हो रहा है कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अभी जितना मदद करना हो रहा है वो कर रहे हैं, और जिसके पास जितना ही होता है उतना ही कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये तो नहीं पता, क्या कहेंगे आप लोग, लेकिन कमेंट में जरूर बताइएगा, इसको मदद की जरूरत है तो आप लोग मदद करिए, और क्या आप लोग का राय विचार है कमेंट में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, जय हिंद।